यह है कि हम लोग अपने माध्यम से अपने क्षेत्र के माध्यम से 40 से 50 गाड़ियों के बीच में नौजवान कार्यकर्ताओं को भत्ता कर समाज में जाने का काम करेंगे और स्थानीय विधायक एक दिन आप लोगों के संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव जी से भी मुलाकात हुई थी 2-4 दिन पहले। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया हुआ था भैया हम लोग 40-50 का भी नौजवान चाची बैठा करके यहाँ से नाश्ता पानी दे करके भेज देंगे। तो बोले कि एक दिन पहले नहीं भेज देना आप लोग, अब लेकर चले आना, भेजना कुछ नहीं है, हमारे यहाँ खाना भोजन सबका प्रबंध है, वहाँ से सब लोग बैठेगा आराम से खाना भोजन करेगा, अपना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रबंध। इसके अतिरिक्त भी आपसे भी जिस तरीके का दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होगा या जिस तरीके की अपेक्षाएं हम लोगों से आप लोगों की होंगी तो हम लोग प्रयास करेंगे उस आपकी धन्यवाद। जय हिंद। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आप लोगों की बात नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि कुशौला में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे रोड बनाने का, उसका आज आखिरी मीटिंग रखे हुए हैं। कुशौला से लेकर के कारवां तक के लिए रोड का हम लोग जमीन क्लियर करा रहे हैं, उसको सिग्नेचर के ऊपर आ रहा है कि जहाँ दूसरों की या दूसरों की गरीबों की काफ़ी आबादी है लेकिन उस गाँव में जाने के लिए रास्ता नहीं है और उस रास्ते के सवाल को लेकर के लोगों को बरकरार करके एक कल्चर में करके भाजपा को वोटिंग करा देता है तो सारी चीज़ों के लिए आप से हम लोग मिलने का था। विधायक जी आज बैठक की गई है 3 तारीख को जो जन विश्वास रैली का आयोजन होने वाला है उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए हम लोगों ने आज बैठक अपने महागठबंधन के विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और सभी प्रखंड के साथियों को बुलाया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग गांधी मैदान में 3 तारीख के पहुँचे, इसी के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं और एक कमेटी बना रहे हैं जो पूरा जिला के हर ब्लॉक के ये करेंगे कि कहाँ से कितनी गाड़ियाँ जा रही है, कितने आदमी जा रहे हैं और कहाँ कहाँ के लोग कौन ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आधा क्षेत्र जो जिला का है वो ट्रेन के रूट पर है, वो जो ट्रेन से जाएंगे और जो क्षेत्र जो ट्रेन से रूट से ज़्यादा दूर है उसके लिए हम लोग गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग महागठबंधन का बैठक बुलाए हैं कि कम से कम भोजपुर जिला से 1 लाख आदमी जाए ना, इससे कम भोजपुर जिला से आदमी नहीं जाएगा, ट्रेन से बस से अपने निजी वाहन से, इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज बैठक बुलाया है महागठबंधन का, इसलिए आप लोग से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग ही उल्टा पुल्टा मत प्रचार करिए, ये रैली जो हो रहा है ना भाजपा को भगाने वाला रैली है, इतनी बड़ी भीड़ देखिएगा कि आज तक कभी गांधी मैदान में नहीं हुआ होगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राबड़ी दीजिए के आह्वान पर सारे बिहार की जनता टूट पड़ी है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बिना कारण से हम लोगों से संबंध तोड़े हैं और उन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैर भी कर करके सरकार में सम्मिलित किए थे, क्या कारण कि उन्होंने हम लोग को साथ छोड़े यही जनता को बताना है और उसी के लिए महागठबंधन का 3 तारीख को गांधी मैदान में रैली हो रहा है। 3 मार्च 2024 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से भाजपा भगाओ देश बचाओ जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को कांग्रेस के नेता माननीय नेता तेजस्वी ये आपको राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे, माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी महासचिव संबोधित करेंगे, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे, सीताराम येचुरी जो महासचिव हैं सीपीएम के, डी राजा जो सीपीआई के महासचिव हैं, ये तमाम नेता लोग राष्ट्रीय नेता लोग और प्रांतीय नेता लोग इंडिया गठबंधन के संबोधित करेंगे। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी आफत विपत्ति बनी हुई है,
हम देख रहे हैं कि किसान लोग वहाँ लड़ रहे हैं एमएसपी के कानून की गारंटी के लिए, कर्ज की माफी के लिए, और जो है फसलों के लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करवाने के लिए। ये जो किसानों पर मुकदमे हुए थे कृषि कानून वापसी के आंदोलन के समय, उनकी वापसी के लिए, तो ये माने किसानों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है। जैसे किसान नहीं आ रहे हैं देश के, दिल्ली के, कोई दुश्मन देश की सेना चढ़ी आ रही है, उन पर आप माने गोली चला रही है सरकार। शुभकरण सिंह की हत्या कर दी हरियाणा की पुलिस ने, भाजपा की पुलिस ने, माने ये अत हो रहा है, अत हो रहा है। जिले से कितनी भागीदारी होगी? भोजपुर से माने हमारे माननीय विधायक जी बोले हैं इस बार जो है कोई जगह, 1 इंच जमीन खाली नहीं रहेगी गांधी मैदान की। जितने लोग गांधी मैदान में रहेंगे उससे तेगुने लोग गांधी मैदान से बाहर पटना की विभिन्न सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि ये सबकी ज्वाइंट रैली है। ऐसी रैली कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली है, और उस दिन वहीं से शंखनाद हो जाएगा, अंतिम कील मोदी के ताबूत में ठोकने का आह्वान होगा उस दिन। जगदीशपुर के विधायक और भाई राम विष्णु सिंह लोहिया जी, कांग्रेस के साथी और बौर भाई प्रोफेसर निर्मल सिंह जी, तमाम महागठबंधन दल के सभी जातिवर और पार्टी के प्रमुख साथी, मैं सभी लोगों को अपने तरफ से प्रणाम सलाम और आदाब तथा एक बात है कि हम अपने महागठबंधन और अपने नेता, महागठबंधन के नेता, और जो हम काम किए और जो विरोधी पार्टी कर रही, वो दोनों विषय को लेकर हम इस रैली के माध्यम से, रैली के माध्यम के दो टीम बने, एक टीम बने, एक टीम का नेतृत्व करे, नुक्कड़ सभा हो, चट्टी चट्टी कम से कम 2000 जिला में, हर गांव नहीं पहुंचे तो अपने आधार गांव और जो लगता है कि हमारे साथ रह सकते हैं उन गांव में भी 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बात को गांव तक पहुंचा देना है, हर जाति, हर धर्म के लोग।